नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 2019 बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पेपर है उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किया था, उसके आगे के जो है वो क्वेश्चंस को मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे बीएचयू वर्ल्ड्स के द्वारा चलाए जाए विभिन्न कोर्स में आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस लिंक के माध्यम से हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज का वीडियो। देखिए, प्रीवियस वीडियो मैंने 22 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस किया था, इसके आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है सेट नंबर 1 है बीएचयू एलएलबी 2019 का। देखिए 23 में बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है, उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही है। ये लिखा हुआ राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, तो नहीं, चूंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा होते हैं। दूसरा क्या है, राज्यसभा जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 जो है वो हेल्प करता है किसमें। देखिए आरटीआई जो लाया गया था उसके पीछे पर्पस क्या था, आरटीआई का पर्पस क्या था कि जो ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, पारदर्शिता लाए, जो सरकार के काम काज हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कार्य कर रही है, तो इवन गवर्नमेंट्स के बोर्ड इवन जुडिशरी तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है कि जो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट्स का बॉडीज है जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने पारदर्शिता लाने के लिए जो है आरटीआई एक्ट जो है 2005 में जो है वो पारित किया गया। अब देखिए आरटीआई से कुछ कॉन्सेप्ट्स में और आपको बताना चाहेंगे। देखिए आरटीआई एक्ट जो है 2005 में लाया गया, इससे पहले आरटीआई जो है जिसको हम बोलते हैं राइट टू नो, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो है वो फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, लेकिन जैसे ही आरटीआई एक्ट 2005 पारित कर दिया गया तो ये क्या हो गया, लीगल राइट हो गया। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इवन बीएचयू का ऑफिशियल की गलती भी आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आरटीआई क्या लीगल राइट है, पहले जो है फंडामेंटल राइट था जब तक जो है आरटीआई एक्ट नहीं बना दिया गया था, लेकिन आरटीआई एक्ट बनाने के पश्चात जो है वो जो है लीगल राइट हो गया। वीएन शुक्ला की किताब में एक्सप्रेसली रूप से इन्होंने लिखा है कि जो पहले जो है ये फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19(1)(a) जिसको बोलते हैं राइट टू नो, जानने का अधिकार, लेकिन जैसे ही आरटीआई एक्ट 2005 पारित कर दिया गया तो जो अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर ये लीगल राइट हो गया है। हम आते हैं आगे 25 पर। 25 में क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि अपने पसंद के अधिवक्ता की सेवाएं लेने का मौलिक अधिकार दिया गया है। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 पढ़ेंगे तो उसका क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि एक तो कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसका जो है वो रीजन बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा आपको, और क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो 24 घंटा के विदिन जो है आपको जो है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो नियर मजिस्ट्रेट है। उसमें यह कहा गया कि आने जो जाने का समय होगा वो उसमें नहीं जुटेगा, उसको छोड़कर विदिन 24 घंटा के अंतर्गत आपको जो है वो व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो इलीगल अरेस्ट माना जाएगा। उसमें यह भी कहा गया कि जो है व्यक्ति अपने मनपसंद के जो है अधिवक्ताओं का सेवा अपने मनपसंद के जो है अपने च्वाइस का एडवोकेट से वो सलाह ले सकता है। तो देखिए आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में दिया ही गया, इसके साथ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ेंगे तो धारा 41(d) में दिया गया है, 41(d) में यह दिया गया कि व्यक्ति जो है अपने मन के जो है अपने पसंद के जो है एडवोकेट से वो सलाह ले सकता है, सीआरपीसी की धारा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है। और यह कहा गया कि 24 घंटे के अंदर जो है व्यक्ति को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो आप सीआरपीसी की धारा 57 पढ़ेंगे, वहां भी ये लिखा गया है। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 लिखा गया है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आरोप लगाया जाएगा। देखिए आप आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, 61 जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 61 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है लगाया जाएगा, तो उसमें रीजन दिया गया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगते हैं दोनों में थोड़ा अंतर है, उनपे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे जो है इंपीचमेंट लाया जा सकता है। इनमें क्या है, राष्ट्रपति में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही जो लाया जा सकता है।
और क्या है, जब अगर मान ली राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो प्रोसीजर क्या होगा, तो किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। 1/4 मेंबर जो है वो रिसोल्यूशन जो है वो रिटर्न देंगे, उसके बाद क्या होगा 2/3 लोग से उस सदन से 2/3 लोग से पारित होगा, दूसरा सदन में जाएगा वो भी उसकी जांच करेगा 2/3 से पारित होगा, तभी जो है वो महाभियोग जो सफल हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का देखें तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 में उसका प्रोविजन दिया गया है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस सदन में लाया जा सकता है, दोनों सदन में लाया जा सकता है। अब 27 में ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू, पहले हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, 42वां संविधान संशोधन जो है जब हुआ था तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A, संविधान का चौथा भाग पार्ट 4A, और हम लोग बोलते 51A, आर्टिकल 51A, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में कुछ ड्यूटीज इंपोज कर दी गई। देखिए राइट एंड ड्यूटीज जो कहा जाता है कंप्लीमेंट होता है, तो व्यक्ति को राइट तो दे दिए गए थे, फंडामेंटल राइट दिए गए थे, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी दिए गए थे, लेकिन ड्यूटी की बात नहीं की गई थी। तो इस जो कमिटी हुई जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमिटी हुई, तो इस कमिटी ने रिकमेंडेशन किया कि कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है होना चाहिए, तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें इनकॉर्पोरेटेड कर दिए गए पार्ट 4A और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A में। तो उस समय टोटल जो है 10 फंडामेंटल राइट थे इनिशियली में, बाद में एक फंडामेंटल राइट और जोड़ दिया गया जो कि राइट टू एजुकेशन से है। अब एक चीज और इस पर, क्या फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सेबल है या नहीं। देखिए जनरली फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, जनरली समानता फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पर इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं कि आपको ये कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा को सम्मान करना है, ठीक, आप मान लीजिए राष्ट्रीय झंडा को आप तोड़ फोड़ दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं या उसका जो अपमान कर रहे हैं, तो आपको एज अ फंडामेंटल ड्यूटी पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है, जैसे आप मान लीजिए झंडा को या राष्ट्रगान को अपमान कर रहे हैं, तो नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया उसके अंतर्गत आपको पनिश किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि महिलाओं को सम्मान करना, आप सम्मान नहीं कर रहे, आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो जैसे आईपीसी की धारा 354/509 है उसके अंतर्गत आपको पनिश किया जा सकता है, लेकिन नॉट एज ए फंडामेंटल ड्यूटी, एज अ जो अदर प्रोविजन इंस्टीट्यूट में दिए गए हैं उसके अंतर्गत आपको पनिश किया जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन उसमें आते हैं, मौलिक दायित्व जो है सीमित है, तो ये सिटीजन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया जुरिस्टिक पर्सन पर नहीं होगा, विधिक व्यक्ति पर नहीं होगा। विधिक व्यक्ति क्या होता है कि जो वो रियल में जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, मतलब जैसे विधिक व्यक्ति पर्सन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि जो नेचुरल पर्सन होता है, एक लीगल पर्सन होता है। जैसे आप आईपीसी की धारा 11 पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा 11 पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया कि एक होता है नेचुरल पर्सन, एक लीगल पर्सन होता है। लीगल पर्सन जो जिसके नाम पर जो केस फाइल किया जा सकता है या जो केस फाइल कर सकता है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, जैसे क्या है कि भारत सरकार, तो आर्टिकल 300 पढ़ेंगे तो ये कहा गया, ये क्या कहा गया कि भारत सरकार के अगेंस्ट केस लाया जा सकता है या केस उसके नाम से किया जा सकता है। आप जैसे मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि जैसे रामलला मंदिर होगी, रामलला जन्मभूमि होगी, तो वो क्या है जुडिशियल पर्सन है, वो जो है जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वैष्णो देवी मंदिर हो गया, वो क्या जुडिशियल पर्सन हो गया, वो नेचुरल पर्सन नहीं हो, लीगल पर्सन हो गया। तो यहां पे आंसर इसका होगा, आंसर नंबर 1 होगा कि भारत के नागरिकों के लिए सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन की बात नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया तक ही वो सीमित होगा। अब 28 में पूछा है जो कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रपति ही भंग करते हैं, लेकिन वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है एड एंड एडवाइस, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो वो राष्ट्रपति को जाएंगे। आर्टिकल 85 में पढ़ेंगे क्लॉज 1, 2, 3 वगैरह दिया गया उसमें, तो उसमें दिया गया, तो एक्चुअल में भंग कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही भंग करते हैं। अब ये 29 में बोला गया है भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में वन सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A में दिया गया है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ। अब 30 में पूछ रहा है कि इसमें जो है कौन सा मिसमैच है उसको बताइए, तो पहला लिखा गया राइट टू एजुकेशन, तो देखिए 21A में दिया गया, हालांकि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो 6 से 4 क्लास के 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो है आर्टिकल 21A में दिया गया है, उसका ये लिखा हुआ राइट टू लाइफ, तो आर्टिकल 21 में सही है। आगे पढ़िए कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, तो आर्टिकल 23 ना होकर 24 है, तो आंसर नंबर यहाँ पे जो है वो 3 होगा, 3 मिसमैच है। ये देखिए 21 में कंफ्यूज मत होइएगा, 21A जो दिया गया है पहला ऑप्शन दिया गया है, वहाँ राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, हालांकि एलिमेंट्री वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम उसको सही मान लेंगे। राइट टू लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में दिया गया है। आगे ये कारखानावादी में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, आर्टिकल 23 में यही लिखा गया, आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको हैजर्डस खतरनाक कारखानों में जाए काम के लिए नहीं लगाया सकता। आर्टिकल 23 में यह कहा गया कि किसी को जबरदस्ती आप जो है कार्ज नहीं करवा सकते, बलात्श्रम जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है कि किसी को आप वार्क फोर्स करके आप कार्ज नहीं करवा सकते हैं। फिर क्या उपाधियों का, तो आर्टिकल 18 में दिया गया, तो यहाँ पर आंसर नंबर 3 होगा।
अब 31 में, ये 31 में बोल रहा है भारत का कौन सा राज्य है जिसमें जो है इन्फॉर्म सिविल कोड लागू है। इन्फॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44 आप पढ़ेंगे, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 पढ़ेंगे, तो जिसको हम इन्फॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, डीपीएसपी में दिया गया। ये क्या है कि राज के ऊपर, राज मतलब आर्टिकल 12 में जो राज, जो भी राज में डिफिनेशन में आएंगे उसके ऊपर ये लाइबिलिटी मतलब दिया गया एक तरह से कि आप जो है इन्फॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, इन्फॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा देंगे। इन्फॉर्म सिविल कोड क्या है कि सबके लिए एक जैसा लॉ होगा, कोई पर्सनल लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव रिलीजन, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके लिए एक जैसा लॉ होगा। तो इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म सिविल कोड। गोवा में इन्फॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक। अच्छा, इन्फॉर्म सिविल कोड पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस डिसाइडेड किए, जैसे सरदा मुगदल का केस, बड़ा फेमस केस माना जाता है, इन्फॉर्म सिविल कोड पर डिसाइड किया हुआ है। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, ये भी इसमें पूछा है कि किसमें जो इन्फॉर्म सिविल कोड जो है लागू है, तो गोवा में लागू है। अच्छा, 32 में पूछा है कि बिना सदस्य, संसद के सदस्य होते हुए संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो मैं पहले ही डिस्कस कर दिया कि अटॉर्नी जनरल। फिर ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जा सकता है। राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो आप 84 पढ़ेंगे, आर्टिकल 84 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें यह लिखा गया है कि राज्यसभा में जो चुनाव लड़ने के लिए उम्र क्या होना चाहिए, 30 साल है, लोकसभा में 25 साल है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो 35 साल दिया गया है, तो इस पर ध्यान रखिए। जैसे विधानसभा में है तो विधानसभा में 25 साल है, विधान परिषद में 30 साल है, तो आर्टिकल 84 में दिया गया है। अब ये पूछ रहा था डिफाइन में कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अदर दो मेंबर होते हैं उसमें, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के हटाने का तरीका है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के हटाने का तरीका है, आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 में जो हटाने का तरीका है, वही तरीका जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिया हुआ है। तो इसमें आंसर कौन होगा, इसमें आंसर देखिए, इसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संसद द्वारा महाभियोग पर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो देखिए संसद महाभियोग लगाएगी तभी हटाया जा सकता है, तभी उसको हटाया जा सकता है, बिना संसद के द्वारा महाभियोग लगाए उसको जो है नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 यहाँ पे होगा, संसद द्वारा महाभियोग, क्योंकि संसद जब तक महाभियोग नहीं लगाया जाता तब तक आगे की प्रोसीडिंग नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट हम आंसर ना मार के पहले संसद का महाभियोग लगाएंगे आंसर। अब आइए 36 में, कि ये पूछा है कि रिपोजिटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, ये जो है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर वर्ड यूज किया गया है रिपोजिटरी ऑफ ट्रस्ट, तो आंसर नंबर 4 होगा। अब 37 में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हिंदुस्तान जो कि भारत है, भारत राज्यों को संघ होगा, आर्टिकल 1 का 1 पढ़ेंगे तो ये लिखा गया भारत एंड शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट लिखा गया है, तो ये 1 का 1 होगा। अब 38 में पूछ रहा है कि जो सिटीजनशिप है उसमें जो है कौन सा तरीका जो है वो अपनाया जा सकता है एक्विजिशन के लिए, मतलब नागरिकता अधिनियम, नागरिकता पाने के लिए, तो देखिए इसमें बर्थ भी होगा, डिसेंडेंट होगा, दोनों आंसर होगा। अला और भी तरीका है, जैसे नेचुरलाइजेशन है, अगर किसी राज्य को, किसी विभाग को भारत में मिला दिया गया तो वो भी तरीका है नागरिकता पाने का, अन तमाम भी तरीके हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे वो सब तरीके नहीं दिए गए, तो दो ही आंसर पे होगा, बाई बर्थ एंड डिसेंडेंट, ऑप्शन नंबर 4। अब ये 39 में क्या पूछा, 39 ने पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 में दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। अब आगे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो आर्टिकल 31 है, पहले जो है वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44 अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो है इसको हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट के दायरा से इसको हटा दिया गया है, तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा, बल्कि अभी जो है लीगल राइट है, आर्टिकल 300 का ए में पढ़ेंगे, आर्टिकल 300 का ए में जो अब ये लीगल राइट के दायरा में आ गया, फंडामेंटल राइट नहीं है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अच्छा 40 में ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में से कौन सा मूलभूत कर्तव्य की श्रेणी में आता है, तो देखिए यहां पे ऑप्शन दिया है, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ये भी है, देश की सुरक्षा करना, ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है, तो ऑल ऑफ द एवव होगा, आंसर नंबर 4 होगा। अच्छा 41 में पूछ रहा है कि भारत के राज्य के रीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद के समूह में सम्मिलित है, देखिए पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 इससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो पार्ट 4 है, चौथा भाग संविधान का है, वो डीपीएसपी को बताता है। डीपीएसपी है क्या, देखिए डीपीएसपी इनफोर्सेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल प्रिंसिपल है, जैसे फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दिए गए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वहां क्या है कि आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल राइट से डिप्राइव करती है, जैसे मान लीजिए कि लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बनाया और या एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया और आपसे उसका फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जाते हैं, हाई कोर्ट 226 में जाते हैं और रीट जारी करवा के उसको इन्फोर्स करवा लेते हैं,
या आर्टिकल 13 आप पढ़े तो 13 का क्लॉज 2 में क्या लिखा गया है कि जहां पे कोई लॉ लेजिस्लेशन बनाती है और वो जो है फंडामेंटल राइट के जो है कंट्रावेन हो, इनकंसिस्टेंस हो, असंगत हो, तो उस सीमा तक वो सुन होगी। तो मतलब फंडामेंटल राइट को जो है वो कोई लॉ बनाकर लेजिस्लेशन या कोई एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेकर फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती है। या तो आइदर 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत वो प्रिवेंट कर दिया जाएगा या तो आप रीट जारी करवा के उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है लेकिन डीपीएस इन्फोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं आवाद योग। मतलब इसको इन्फोर्स करने के लिए जो है मुकदमा नहीं ला सकता, रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। ये एक स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर दिया गया। अगर आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि स्टेट जो है वो लॉ बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में देगी। तो जो डीपीएसपी है ये क्या है कि वो नॉन जस्टिसेबल प्रिंसिपल है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो क्या चाहते थे कि हमारा जो देश है वो, जिसको बोलते हैं हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात बोलते हैं, कल्याणकारी राज की अवधारणा करते हैं, तो उसमें कहाँ सन्निहित है, तो वो डीपीएसपी में ही उनका इंटेंशन छुपा हुआ था। डीपीएसपी में ऐसे प्रोविजन लाए गए हैं, दिए गए हैं, इसमें कल्याणकारी राज करने की बात की गई, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आप 42 पाइए, 42 में पूछ रहा है कि कौन सा जो राज्यपाल के संबंध में कौन सा जो है कथन असत्य है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, राज्यपाल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण करवाता है, ये भी सही है। राज का प्रशासनिक मुखिया राज्यपाल होता है, ये हमारे देखिए ध्यान रखिएगा, राज का प्रशासनिक मुखिया राज्यपाल होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली प्रोविजन में लिखा गया है। अब लिखा गया राज्य में राज्यपाल शासन राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। देखिए राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू कर नहीं सकता है, करवा सकता है। 356 आप पढ़ेंगे, 356 पढ़ेंगे आर्टिकल, तो राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। उसमें यह लिखा गया कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य में जो है वो किसी राज्य में जो है संविधान के अनुसार जो है वहां के राज्य सरकार नहीं चल रही है, तो वो जो है इमरजेंसी ला सकती है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, जो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, तो वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। लेकिन राज्यपाल कर नहीं सकता है, करवा सकता है, कर नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पे जो है 4 होगा, ये गलत है। अब आइए 43 पे, 43 में क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन एक चीज और बता दें, इमरजेंसी प्रोविजन हमारे यहाँ जर्मनी से लिया गया है, और 356 तीन प्रोविजन हमारे इमरजेंसी के दिया गया है। पहला क्या है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, 352 जिसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं, आपातकाल का घोषणा या प्रवर्तन। 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल्योर हो गए। तो 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसमें लिखा गया है पहला ऑप्शन में युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सैनिक विद्रोह के कारण स्थिति, ठीक। दूसरा क्या है, वित्तीय आपात स्थिति, और तीसरा में क्या लिखा है, प्रशासकीय आपातकाल। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, प्रशासकीय आपातकाल तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो इसमें क्या है कि 1 और 2 दोनों की एक ही मिला दिया है, तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से किसका कार्यकाल भारत में राष्ट्रपति में सर्वाधिक रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद 62 तक रहे हैं हमारे यहाँ, 50 में माने 62 तक रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कर रहा है। फिर ये पूछ रहा है कि भारत में लोकसभा के किस राज्य का जो है प्रतिनिधित्व सबसे कम है, तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 2 है। फिर आइए इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 2013 में भारत के किन राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो भैया मणिपुर मेघालय त्रिपुरा 2013 में यही एस्टैब्लिश हुआ था हाई कोर्ट। अच्छा टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने अभी, तो फिलहाल अभी 25 हैं, अभी 25 हैं। और ये भी पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जजों की संख्या कहां है, तो जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा जजेस की संख्या है। अब आते हैं हम 47 में पूछ रहा है कि केंद्रीय सूची, राज सूची, संवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय हैं, तो देखिए जो यूनियन लिस्ट है उसमें अभी प्रेजेंट में 100 है, जब ओरिजिनली में 97 था लेकिन प्रेजेंट में अभी 100 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन उस अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है, तो आपको चूज करना पड़ेगा ऑप्शन उसी अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप देखिए ध्यान दीजिए कि पहले केंद्रीय सूची दिया है, फिर राज सूची दिया है, संवर्ती सूची दिया है। तो देखिए यहाँ पर डाटा जो इसमें दिया हुआ है, अब देखिए अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रेजेंट में अब देखिए उस समय 97 थे लेकिन फिलहाल अभी 100 हो गए हैं यूनियन लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट में जो है वो उस समय 52 थे लेकिन अभी जो है 47 हो गए हैं, और कंकरेंट लिस्ट में 61 थे लेकिन अब जो है 66 हो गए हैं। तो ये तो करंट सिनेरियो हो गया, ये पहले की हम बात करते हैं, पहले तो यहाँ पे ऑप्शन पहले का अकॉर्डिंग दिया गया है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर सही होगा, क्योंकि ये पहले वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल थे उसके अकॉर्डिंग आंसर सही दिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही हमको मारना पड़ेगा। हालांकि प्रेजेंट का सिचुएशन कुछ बदल गया है, 100 होगा और अगर ऑप्शन अगर रियल हम चले तो 100 होगा, 61 होगा और 52 होगा, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर 2 ही चूज करना पड़ेगा। अब भैया 48 में पूछा है भारत में अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार लगाया गया है। फिर ये 49 क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है आपको ईडब्ल्यूएस को लेकर, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर पूछ रहा है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है किस में लाया गया, तो 103 अमेंडमेंट के द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया गया। अच्छा जीएसटी कब लाया गया था, 101 अमेंडमेंट में लाया गया था। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 50 में पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसदीय समिति है, कौन सा जो पार्लियामेंट्री कमेटी है। देखिए हमारे कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग लोकलेखा समिति बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होता है। जनरली 3 कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको हम बोलते हैं लोक लेखा समिति। इसमें क्या होता है कि 15 मेंबर और 7 मेंबर, टोटल 22 लोग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से होते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है कि जो सैंक्शंस होता है, जो पैसे खर्च के लिए जो सैंक्शंस होता है, उसका कार्य जो है वो पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी देखते हैं, जिसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। एक होता है एस्टिमेट कमेटी, जिसको बोलते हैं प्राकलन समिति। उसमें मेंबर जो है राज्यसभा के नहीं होते हैं, ध्यान रखिए उसमें मेंबर एक भी राज्यसभा के नहीं होते हैं, उसको लोक लेखा समिति की बहन भी कहा जाता है। उसका काम क्या होता है, इकोनोमाइजेशन को लेकर, खर्च को कितना किफायत किया जाए, कितना से कितना कम खर्चा किया जाए, उसको लेकर वो काम करती है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा संसदीय कमेटी है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो संसदीय कमेटी है। कैग पूछा है, तो कैग जो है वो अलग बॉडीज ही बनाया गया, 148 आप देखेंगे 48 मत वहां दिया हुआ, तो आंसर नंबर ए होगा। अब आगे ये पूछ रहा है भाई 51 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में किसी जाति को अनुसूची में रखने या बाहर निकालने की शक्ति किसको है, तो भैया पार्लियामेंट्स को है। आर्टिकल 342 और 343 में देखें तो ये सब दिए गए हैं, तो पार्लियामेंट्स को ही पावर दिया गया है। अब 52 में पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो अब 75 में देखें तो बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो 75 का क्लॉज 75 होगा, तो उसमें यह दिया गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उस समय जो है वो मेंबर नहीं है, जैसे मान लीजिए लोकसभा, जैसे मान लीजिए हम केंद्रीय केंद्र स्तर में मंत्री की बात करते हैं, तो सपोज कि जैसे मनोज सिन्हा की हम बात करते हैं, तो मनोज सिन्हा चुनाव हार गए गाजीपुर से, लेकिन क्या उनको मंत्री बनाया जा सकता है कि नहीं बना सकता, न लोकसभा में न राज्यसभा में, तो बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने में उनको कहीं ना कहीं से संसद का मेंबर बनना पड़ेगा, मतलब लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते, अगर केंद्र में बनना चाहते हैं तो। अगर राज्य की हम बात करें तो कोई व्यक्ति स्टेट का भी मंत्री बन सकता है, लेकिन विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना है तो भी, लेकिन 6 महीने के बाद जो है उसको 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने का मतलब टाइम खत्म होते ही उसको मेंबर होना पड़ेगा, अगर मेंबर नहीं होगा तो मंत्री पद से वो खत्म मान लिए जाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों प्रोविजन लाया गया, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मनोज सिन्हा को देखिए, तो वो BHU IIT से पास है और बड़े टैलेंटेड लोग हैं, अब ये मत कहिए कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बट ही इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफकोर्स, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनके मन में विचार था कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हो सकता है पॉलिटिकल वजह से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अच्छे व्यक्ति हो, नॉलेजेबल हो, जो अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को एक मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये प्रोविजन दिया हमारे संविधान में कि 6 महीने के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उनको जीत कर आना पड़ेगा। अच्छा ये भी सवाल उठता है कई बार कि क्या उनको एक बजे से मान लीजिए 6 महीने के लिए बना दिए गए और नहीं जीत पाए, कहीं से वो मेंबर नहीं बन पाए, तो क्या फिर दोबारा बनाया जा सकता है कि नहीं, नहीं दोबारा नहीं बना सकते, एक बार के लिए ही एक सत्र में, मतलब एक बार 5 साल का अगर सरकार बनी है, 5 साल तक सरकार रही है, तो एक बार उनको बनाया जा सकता है, दोबारा जो है फिर से वो एक बार 6 महीने के बाद मान लीजिए नहीं जीत पाए तो दोबारा फिर बना दिया जाए, ऐसा नहीं है, एक ही बार वो हो सकते, एक सेशन के लिए एक ही बार हो सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 पर हम आते हैं, 53 में या सरसल जनरल क्वेश्चन है 53 में, देखिए इसमें ये पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट का क्वेश्चन है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट का क्वेश्चन बनाते समय हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपका आंसर जो है प्रिंसिपल के विदिन होना चाहिए, जो प्रिंसिपल दिया गया, जो फैक्ट दिया गया, उसी के दोनों मिलाकर ही आंसर होना चाहिए, आपको अपना कभी भी अपना नॉलेज अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि वो लॉ पढ़ लेते हैं, जहां जैसे हमारे बच्चे हो या कोई भी बच्चे हो, कहीं से भी लॉ पढ़ लेते हैं या किताब पढ़ लेते हैं और वो अपना दिमाग लगा देते हैं, तो वो आपको नहीं करना चाहिए।
और क्या होता है कि जो ऑप्शन प्रिंसिपल फैक्ट्स है उस समय क्या होता है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है उसी को आपको चूज करना है। एक से अधिक ऑप्शन अधिक सही होंगे, आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो और जो फैक्ट और प्रिंसिपल के विदिन हो, जो फैक्ट और प्रिंसिपल में दिए गए चीजों पर ही आधारित हो उसी को आपको आंसर लगाना है। तो देखिए इसमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक व्यक्ति पी किसी अन्य, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल क्या लिख रहा है, जब एक व्यक्ति पी किसी अन्य के द्वारा इस एक कार्य को किए जाने की सहमति देता है तब उस कार्य के परिणाम किसी नुकसानी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता, परंतु यह तब तक जबकि कार्य वही है जिसके लिए सहमति दी गई है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसे इसमें क्या कह रहा है कि पी एक व्यक्ति है, उसने एस को सहमति दिया है कुछ करने के लिए और किसी ऐसे कार्य करने के लिए सहमति दिया है कि जो कार्य से उसको कुछ खतरा हो सकता है, मतलब कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसमें यह बोला कि पी ने एस को सहमति दिया है कुछ कार्य करने के लिए और जिस कार्य के लिए सहमति दिया गया उस कार्य को उसने किया हो और उससे कोई उसको खतरा हुआ हो, उससे कुछ नुकसान हुआ हो, तो जो है वो उसके लिए जो है पी जो है वो एस से जो है वो एस के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता, उससे कुछ नुकसान ही प्राप्त नहीं कर सकता। अब फैक्ट्स को पढ़िए, फैक्ट्स में क्या लिखा गया है, फैक्ट्स में लिखा गया है पी ने शल चिकित्सक मतलब सर्जन एस को एक लिखित सहमति अपेंडिक्स के लिए शल क्रिया हेतु प्रदान की। शल चिकित्सक ने शल क्रिया करते हुए पी का पिता से भी निकल लिया। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पी जो है पी के ने एस को सहमति दिया, एस क्या एक डॉक्टर है सर्जन है, उसको सहमति दिया कि मेरा जो है अपेंडिक्स आप निकाल दीजिए। ठीक, एस ने ऑपरेशन करते हुए अपेंडिक्स तो निकाला गॉल ब्लॉडर भी निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये ऑप्शन को पढ़िए तो ऑप्शन में क्या लिखा गया है, पी कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम एस, पी इज नॉट बॉन्ड टू पे द एक्सपेंसिस ऑफ सर्जरी, पी सेल फॉर सर्जरी फॉर अपेंडिक्स बट नॉट फॉर द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लॉडर, पी कैन नॉट क्लेम डैमेज फ्रॉम एस। ठीक, अब देखिए इसमें ऑप्शंस कौन सा होगा इस पर ध्यान रखिए। देखिए हमने आपको बताया कि आपका आंसर जो है विद इन प्रिंसिपल एंड फैक्ट के अंतर्गत होना चाहिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखिए पहले प्रिंसिपल में पढ़े, प्रिंसिपल में क्या लिखा गया कि जैसे पी ने एस को सहमति दिया कुछ करने के लिए और अगर एस ने जो जिस कार्य के लिए सहमति दी गया उसी कार्य को किया है तो वो उससे नुकसान हुआ हो उस कार्य से तो उसके लिए वो डैमेज उससे जो है वो नुकसान ही प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब कुछ डैमेज नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन अगर कार्य से बाहर चला गया तो उसको जो है डैमेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्ट में क्या दिया कि एस ने जो है इसने क्या दिया अपेंडिक्स निकालने की सहमति दिया और इसने उसका गॉल ब्लॉडर भी निकाल लिया। अब सवाल क्या उठता है कि भाई जहां तक अपेंडिक्स निकालने की बात थी वहां तक तो ठीक थी, लेकिन गॉल ब्लॉडर आपने निकाल दिया तो आपने जो सहमति दी गई थी उसको तो आपने एक्सेप्ट कर दिया गया। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए तो ऑप्शन में क्या होगा कि पहला पढ़िए तो क्या लिखा, एस से नुकसानी क्षतिपूर्ति का दावा पी कर सकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। सेकंड पढ़िए, पी इज नॉट बॉन्ड टू पे ऑल एक्सपेंसेस फॉर द सर्जरी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जब गोल्ड ब्लॉडर निकाल दिया तो ऐसा करो कि जिसने ऑपरेशन किया उसका खर्चा ही नहीं दो, ये भी लोग कहेंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? चूंकि प्रिंसिपल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, प्रिंसिपल में लिखा गया होता है कि हाँ विद इन आप कार्य को जो जिस कार्य के लिए सहमति दी गया है उस कार्य से अधिक कार्य कर दिए गए तो आपको जो है उसके लिए जो आप कार्य करने का मेहनताना नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा लिखा गया होता तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, चूंकि हमने बोला विद इन प्रिंसिपल आपका आंसर होना चाहिए। सेकंड में क्या लिखा, पी अपेंडिक्स की शल क्रिया खर्चा देगा परंतु पित्ताशय के नहीं। ठीक है भैया, पी अपेंडिक्स का जो है खर्चा देगा लेकिन पित्ताशय के देगा कि नहीं देगा इस सब को क्या मतलब है, लेकिन वो जो उसको नुकसान हुआ उसके लिए तो कंपनसेशन क्लेम करेगा, इसका तो लिखा ही नहीं ऑप्शन है हमें। फिर क्या लिखा गया 4 में, एस से नुकसानी का दावा पी नहीं कर सकते, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, आप तो भाई उसका गोल्ड बॉर्डर निकाल दिए, पिता से निकाल दिए। अब यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है और विद इन प्रिंसिपल एंड फैक्ट में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग चुनना है, तो आंसर नंबर 1 होगा, आंसर नंबर 1 होगा। अब हम आते हैं कुछ इससे, ये तो हो गया लीगल प्रिंसिपल का क्वेश्चन, अब इससे हम कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पाते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी नेट फुट इंजुरिया, जब टॉर्ट पढ़ेंगे तो टॉर्ट ऑफ वॉलंटरी नेट फुट इंजुरिया होता है। देखिए वॉलंटरी नेट फुट इंजुरिया क्या होता है, देखिए टॉर्ट में, देखिए टॉर्ट क्या होता है कि जैसे टॉर्ट क्या होता है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ, वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ, दो चीज आवश्यक होती है जनरली सामान्यतः, कुछ एक्सेप्शन सिचुएशंस को छोड़कर। टॉर्ट होने के दो चीज आवश्यक होती है, किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का भंग किया हो और उसके पश्चात किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, ये दो चीज मिल जाएंगे तो जो होता है टॉर्ट निर्माण होता है। ठीक, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए टॉर्ट हो गया तो कुछ ऐसी दशाएं हैं जहां पर व्यक्ति को जो बचाव प्रदान है जिसको बोलते हैं डिफेंस। अब डिफेंस में दो प्रकार के होते हैं, जो होता है जनरल डिफेंस एक स्पेशल डिफेंस। देखिए ये तो क्या टॉर्ट, टॉर्ट के लिए क्या क्या आवश्यक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक, अब टॉर्ट हो गया तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे व्यक्ति को टॉर्ट के लिए लायबल नहीं ठहराया जाता है, टॉर्ट का एक सिविल रॉन्ग है।
तो यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियां, अपवादिक परिस्थितियां, जहां पे व्यक्ति को जो है वो लाइबल नहीं ठहराया जाता है, उसको बोलते हैं डिफेंस। ठीक, अब डिफेंस भी दो प्रकार का, एक होता है जनरल डिफेंस, एक होता है स्पेशल डिफेंस। ठीक, डिफेंस भी दो ढंग का होता है, जनरल डिफेंस एक स्पेशल डिफेंस। जनरल डिफेंस क्या होता है कि जो कि अधिकतर मोस्ट ऑफ द टॉट में अप्लीकेबल होते हैं, अधिकांश टॉट में उसका बचाव ले सकते हैं, वो सात प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वॉलंटरी नेटफील्ड इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनविटेबल एक्सीडेंट, और भी स्ट्रक्चरल अथॉरिटी, अन्य प्रकार के होते हैं, जैसे आपको नेसेसिटी हो गया, प्राइवेट डिफेंस, अन्य तमाम प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पेशल डिफेंस, जैसे वो खासकर जैसे टॉट ऑफ डिफेमेशन में अप्लाई होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पर आपने डिफेमेशन का आपके विरुद्ध मुकदमा लाया, आप कह रहे नहीं हमने कमेंट किया वो गुड फेथ में किया, फेयर कमेंट किया, तो ये होता है कुछ पर्टिकुलर टॉट में ही आपको बचाव दिया सकता है। तो जनरल डिफेंस में एक प्रकार का बचाव है, एक प्रकार का वो है वॉलंटरी नेटफील्ड इंजुरिया। वॉलंटरी नेटफील्ड इंजुरिया क्या होता है कि जहां आपने किसी व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए सहमति दिया हो, और वो जो है वो जो कार्य कर रहा है वो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उससे अगर आपको कुछ क्षति हुआ तो उसके लिए आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य विद इन होना चाहिए। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी नेटफील्ड इंजुरिया। अब देखिए वॉलंटरी, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने किसी डॉक्टर को आपने सुई लगाने के लिए दिया, तो सुई आपको चुभा, तो आप उसके लिए कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। आप मैच देखने गए, किसी प्लेयर ने गेंद को मारा, आपको आके सर पर लग गया, आप घायल हो गया, आपका सर फूट गया, आप उसके लिए कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि जो आपने कंसेंट दिया, आपने सहमति दिया है, वो प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए। तो प्रॉपर कंसेंट मतलब उचित सहमति होनी चाहिए। अब उसमें तीन बातें कही गई है, एक तो कहा गया कि जो जिसने जो आपने सहमति दिया गया, तो वो जो कार्य किया, जो रॉन्ग डूअर जिसने कार्य किया उसका किया गया कार्य आपके सहमति दिया गया उसके विदिन होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या कहा गया कि फ्री कंसेंट होना चाहिए और लॉफुल एक्ट के लिए ही कंसेंट होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर कंसेंट माना जाएगा, तभी उसका बचाव मिल पाएगा। तो इसको वॉलंटरी नेटफील्ड इंजुरिया बोलते हैं। वॉलंटरी नेटफील्ड इंजुरिया मतलब जहां पे आपने किसी व्यक्ति को सहमति दिया है कोई ऐसे कार्य करने के लिए जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, तो उससे आपको कोई लॉस हुआ तो उसके लिए आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 53 तक मैंने डिस्कस कर दिया। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के जो पार्ट्स बचे हुए हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो आई होप करता हूँ कि जो मैं बताया हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसा लगा। और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहां से जाकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन अभी भी जारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।